हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक एंड सिंगल थ्योरी। इस वीडियो में बात करेंगे M3R5 यानी जो आपको पाइथन मॉड्यूल है उसके हम कुछ ट्रू फॉल्स करेंगे। जैसे कि आपको पता है यार, मैं आपको जितना सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ, थ्योरिकल थ्योरी पढ़ाता हूँ उसका, उतना हम यार साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएँ ट्रू फॉल्स की, ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। सब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने आपको पीछे एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, मैंने आपको हर चीज़ बता दी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसके कुछ प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है एन एल्गोरिदम, ध्यान से सुनना, अगर आपने पढ़ा होगा, वीडियो देखा होगा तो आप और आसानी से हल कर सकते हैं। एन एल्गोरिदम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। जो एल्गोरिदम होता है क्या, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम का। आपको चीज़ याद रखनी है जो भैया हमारा, आप पहले ये बताइए ये फॉल्स है या ट्रू है। सबसे पहली बात तो ये है भैया फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे जो एल्गोरिथम बात कर रहा है, अगर भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए, सीधे सीधे यहाँ पे क्या होता है, फ्लो चार्ट होता है, ना कि एल्गोरिथम। अगर यहाँ पे होता है एल्गोरिथम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम, तो ये होता ट्रू। लेकिन यहाँ पर एल्गोरिथम आप हमेशा याद रखना, जो भाई हमारा फ्लो चार्ट होता है ना, वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें है एल्गोरिथम। अगर ग्राफिकल की बात करें मेरे भाई, सिंबल की बात करें, तो वो सोच लीजिए आपका फ्लो चार्ट ही होता है, ना कि एल्गोरिथम। एल्गोरिथम तो एक सिंपल से स्टेप बाई स्टेप एक प्रोसेस है, लेकिन वही फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट उसी प्रोसेस को सिंबल द्वारा यानी एक ग्राफिक द्वारा दर्शाता है। मेन चीज़ यहाँ पर ये आपको समझनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंट बाई ए स्टैंडर्ड सिंबल। आपको पता है, मैंने अभी बताया जा रहा हूँ कि भाई फ्लो चार्ट जो होता है उसे हम सिंबल द्वारा दर्शाते हैं, एक ग्राफिक द्वारा दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है, यानी ट्रू हो जाएगा। फ्लो चार्ट की बात करें, अगर सिंबल लिखा है फ्लो चार्ट में या फिर ग्राफिक लिखा है, तो आपको क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा, क्योंकि जो फ्लो चार्ट होता है भाई वो ग्राफिकल होता है या फिर सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका थ्री नंबर का, ए डिसीजन बॉक्स इज ए रिप्रेजेंटेड बाई ए रेक्टेंगुलर शेप। वहाँ मैंने फ्लो चार्ट को, आप फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल बताए थे, फ्लो चार्ट बनाने कुछ मैंने आपको नियम बताए थे, वहाँ पे आपको मैंने सिंबल बताया था। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिसीजन बॉक्स का भी वहाँ पे नाम आया था, सिंबल का ही पता, सिंबल का नाम होता है, तो जो डिसीजन बॉक्स है तो क्या वो रेक्टेंगुलर शेप द्वारा दर्शाया जाता है। और रेक्टेंगुलर कैसा होता है भाई, रेक्टेंगुलर आयताकार होता है, ये ऐसे होते हैं। तो डिसीजन बॉक्स क्या है, रेक्टेंगुलर शेप द्वारा दर्शा जाता है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा भाई, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो हमारा डिसीजन बॉक्स होता है वो रेक्टेंगुलर द्वारा नहीं, वो डिसीजन जो होता है वो कुछ डायमंड तरीके का होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा 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 होता है। रेक्टेंगुलर आपका ऐसा होता है, सॉरी डिसीजन बॉक्स आपका ये होता है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगुलर नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर जितने भी होते हैं भैया आपके, ये सभी क्या होते हैं, प्रोग्राम को बाइनरी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि नहीं यार कंपाइलर ही करता है, इंटरप्रेटर ही करता है, असेंबलर जो करता है, नहीं, असेंबलर भी वही काम करता है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट है, एब्रिविएशन ऑफ कोबोल। अब यदि आप यहाँ पे देखिए, बहुत ही भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोबोल का फुल फॉर्म में पूछा इसने, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि बिल्कुल सही है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, आपको याद रखना होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये तो ट्रू फॉल्स में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, इफेक्टिव टेस्टिंग विल रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। जो इफेक्टिव प्रभावी टेस्टिंग होती है क्या, वो रिड्यूस कर देती है यानी कम कर देती है कॉस्ट को, जब आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है क्या वो कम हो जाता है। बिल्कुल फॉल्स है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, इन कंप्यूटर साइंस एल्गोरिदम रेफर टू ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट। यानी इसमें कह रहा है एल्गोरिथम रेफर करता है, अब ध्यान से समझना, एल्गोरिथम रेफर करता है ए पिक्टोरियल,
एक सारे आरेख द्वारा रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व को ऑफ ए फ्लो चार्ट, यानी जो एल्गोरिदम है फ्लो चार्ट को एक सचित्र यानी चित्र सहित प्रतिनिधित्व को रेफर करता है। मैंने आपको बताया था एल्गोरिदम नहीं, ये जो करता है काम नहीं है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट रेफर टू ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिदम, ये क्वेश्चन ऐसा अगर होता तो भैया ये बिल्कुल सही होता, ठीक है ट्रू होता, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है उल्टा, एल्गोरिदम रेफर कह रहा है ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट, तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो जाएगा भाई, ठीक है ये क्वेश्चन आपका फॉल है। ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जब शुरू में मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन बताया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था पाइथन जो होती है भाई इंटरप्रेटेड लैंग्वेज ही होती है, ये चीज़ आप ध्यान रख दीजिए ना कि कंपाइलर ये होती है इंटरप्रेटेड होती है कंपाइल नहीं होती है, ठीक है इंटरप्रेटेड ही होती है। नेक्स्ट है टू एग्जीक्यूट पाइथन स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मस्ट बी इंटर इंटू ए फाइल, बिल्कुल सही है भाई, पाइथन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फाइल का इंटर होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है लास्ट वाला आपका जो है ए फुल लिस्ट ऑफ पाइथन कीवर्ड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम पाइथन इटसेल्फ यूजिंग द पाइथन कीवर्ड मॉड्यूल, जो कि पाइथन की पूरी संग्रह सूची है, पाइथन कीवर्ड की पूरी आपकी लिस्ट सूची है, क्या वो पाइथन के द्वारा ही यूज़ की जाती है, क्या हम सभी को पाइथन के द्वारा यूज कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है, हम पाइथन के द्वारा सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ये कुछ 10 ट्रू फॉल्स हैं भाई, इन्हें आप आराम से देख सकते हैं और देख लीजिए, मेरा मतलब ये है पाइथन है भाई बहुत ही हार्ड होती है, आपको एक एक क्वेश्चन आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, आप एक क्वेश्चन को दिमाग में रखिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ पहुँच ले। ठीक है फिर भी कोई दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हो वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको वीडियो को लेकर तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है अगर आपको वीडियो चलेगी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।